हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कैपिटल गेन अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है और आज मैं आपको टीच करूंगा एग्जेम्पशन। अंडर सेक्शन 54 इनकम टैक्स के कैपिटल गेन चैप्टर में 54 सेक्शन में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे 54 बी, 54 डी, 54 ईसी, 54 एफ, 54 जी, 54 जीए, 54 जीबी। तो इन एग्जेम्पशंस को करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप एक एग्जेम्पशन भी ढंग से कर लेते हो, सीरियसली समझ लेते हो कि आपके टीचर ने आपको क्या टीच किया, तो जो बाकी की एग्जेम्पशंस हैं वो करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस 10% का चेंजेज होगा। अदरवाइज अगर एक आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको सारी एग्जेम्पशन समझ में आ गई। तो इसलिए पहली एग्जेम्पशन पे आप ज्यादा मेहनत करो, और फर्स्ट एग्जेम्पशन है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हो लीगल तरीके से, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ने आपको बेनिफिट ऑफर करिए हैं उस तरीके से अगर इनकम टैक्स को आप बचाना चाहते हो, तो एग्जेम्पशन 54 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो पहले मैं उन कंडीशंस को लिखता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा असेसी, इंडिविजुअल और HUF। ये बेनिफिट केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए मिलेगा और किसी असेसी के लिए नहीं मिलेगा। फिर मैंने लिखा ट्रांसफर ऑफ एसेट। किस एसेट को ट्रांसफर किया गया हो, तो मैंने लिखा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जिस एसेट को आपने ट्रांसफर किया वो एसेट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा कि वो एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होनी चाहिए या लॉन्ग टर्म, तो एसेट के आगे मैंने लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसका मतलब ही हो गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन 54 का बेनिफिट मिलेगा, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस एसेट को ट्रांसफर किया गया इट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और वो एसेट की नेचर होनी चाहिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और जो मेन कंडीशन है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, वो कंडीशन है परचेज। आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करो और उसके बदले आप खरीदो 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर के बदले घर अगर आप खरीदते हो, तो आपको एग्जेम्पशन 54 का बेनिफिट दिया जाएगा इन इंडिया। 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, एक ही घर का एग्जेम्पशन दिया जाएगा और वो घर इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए अगर आपको एग्जेम्पशन 54 का बेनिफिट लेना है। तो बेसिकली जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं उसमें सबसे पहले तो आपको यही बस जानना पड़ेगा कि हमें एक कैपिटल एसेट बेचनी है और उसके बदले हमें एक दूसरी कैपिटल एसेट खरीदनी है, उसके बेस पे एग्जेम्पशन दिया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड को अगर आप बेचते हो, फिर उसके बदले आप खरीदते हो एग्रीकल्चरल लैंड, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन 54B का बेनिफिट दिया जाएगा। घर के बदले घर 54, एग्रीकल्चरल लैंड के बदले एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 54B का। 54F होती है आप घर के अलावा किसी भी एसेट को बेचो, लेकिन आप खरीदते हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो 54F का बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जेम्पशन के लिए ये दो बातें
जानना बहुत जरूरी है कि किस एसेट को बेचा गया और उसके बदले किस एसेट को एक्वायर किया गया। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफर करते हो और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ही अगर आप खरीदते हो तो आपको एग्जम्पशन 54 का बेनिफिट मिलेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा और जो एसेट होनी चाहिए उसकी नेचर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको बेनिफिट दिया जाए। एक घर का ही बेनिफिट दिया जाएगा और वो घर जो खरीदा गया हो वो इंडिया में हो तभी बेनिफिट दिया जाएगा। तो सर मिलेगा कितना बेनिफिट, उसको कहेंगे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। ये कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी बट अप टू कैपिटल की। जितने का भी नया घर खरीदोगे उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट, जो भी नए घर में आप इन्वेस्ट करोगे उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट एग्जम्पशन के तरीके से अलाउ कर दी जाएगी। लेकिन ये आपको पता है कि एग्जम्पशन कैन नेवर एक्सीड द इनकम, तो मैंने लिखा बट अप टू कैपिटल गेन। जो मैक्सिमम एग्जम्पशन दिया जाएगा, जो पुराने घर को बेचने से कैपिटल गेन हुआ उससे ज्यादा का नहीं दिया जाएगा। अगर पुराने घर को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपीज का हुआ और नया घर आपने 9 लाख का खरीदा तो आपको 9 लाख की एग्जम्पशन दे दी जाएगी। बट इफ यू बाई न्यू हाउस फॉर रुपीज 11 लाख देन यू विल बी अलाउड एन एग्जम्पशन ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज। Is that clear? You get it? अब नेक्स्ट पॉइंट से मजेदार बातें शुरू होती हैं और वो है टाइम लिमिट। और टाइम लिमिट में हमें यह देखना है कि जो एग्जेम्पशन के लिए हमें नया घर खरीदना है या कंस्ट्रक्शन करवाना है नए घर का, वो कितने टाइम में हमें करवाना है। तो लिखे हुए हैं तीन टाइम लिमिट। पहला लिखा हुआ है Within 1 year before the date of transfer, फिर लिखा हुआ है within purchased within 1 year, दूसरे में लिखा हुआ है बेटा परचेस्ड विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक बिफोर की बात कर रहा है परचेज के लिए, एक आफ्टर की बात कर रहा है, और तीसरी टाइम लिमिट है वो कंस्ट्रक्शन के लिए है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो, आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो तो टाइम लिमिट है विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो पुराने घर को बेचने की डेट थी उसके एंड से, उस डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन आपको करवाना। तो जो पहली दो आपके लिए टाइम लिमिट्स हैं ये नए घर को एक्वायर करने के लिए हैं, और जो तीसरी वाली टाइम लिमिट है वो नए घर को अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। अब इस बात को मैं बहुत डीप में आपको टीच करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से टीच करूंगा, बस आप देखते रहो मैं आपको टीच क्या कर रहा हूं। मैंने एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया मिस्टर एक्स। चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इंडिविजुअल sold his residential house, चलो सर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, जिसको बेचा गया वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसको बेचने पे जब उसने कैपिटल गेन कंप्यूट किया तो कैसे कंप्यूट किया, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन
30 lakhs माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज 20 lakhs और होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 10 lakh रुपीज। चलो सर तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो मिस्टर एक्स इंडिविजुअल सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, दूसरी कंडीशन, गेन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज ऑफ रुपीज 10 lakh, दैट इज द थर्ड कंडीशन। अब 10 lakh रुपए पे वैसे तो टैक्स बनता है 20% के रेट से 2 lakh रुपीज, क्योंकि मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में पढ़ाया हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 112 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो जनरल रेट होता है वो होता है 20%। अब ये बहुत टैक्स है, अगर आप चाहते हो कि इस टैक्स को आप बचा लो, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस या कम कर दो या निल कर दो, तो आपको इनकम टैक्स कहता है हम बेनिफिट दे सकते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ठीक है सर, अब अगर आपको ये एग्जेम्पशन चाहिए तो फिर फोर्थ कंडीशन है परचेज, आपको एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में खरीदना पड़ेगा। और एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, जितना भी नया घर खरीदोगे या कंस्ट्रक्शन करवाओगे बट अप टू कैपिटल गेन 10 lakh रुपए से ज्यादा की नहीं मिलेगी। इफ यू बाई न्यू हाउस फॉर ₹7 lakh द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी ₹7 lakh, इफ यू बाई फॉर ₹10 lakh द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी ₹10 lakh, बट इफ यू एक्वायर द न्यू हाउस फॉर ₹11 lakh और मोर देन 10 lakh एनी अमाउंट देन एग्जेम्पशन विल नॉट बी अलाउड मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज 10 lakh और आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, लेकिन एग्जेम्पशन की वजह से आपकी इनकम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है सर, हमें यह समझ में आ गया जो कुछ आपने बताया। तो अब बात करते हैं टाइम लिमिट की। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो घर था ये किस डेट पर ट्रांसफर किया गया, उसको लिख लेते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर। हम डेट ऑफ ट्रांसफर बोल रहे हैं जो पुराना घर बेचा गया था उसके लिए, और हमने 10th अक्टूबर 2017 एक रैंडमली कोई सी भी डेट लिख ली कि 10th अक्टूबर 2017 को घर बेचा गया था और घर को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 lakh रुपीज हुआ था। अब अगर उसको एग्जेम्पशन चाहिए तो नया घर खरीदना पड़ेगा या कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, उसकी टाइम लिमिट दे रखी है पहली विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, इस डेट से पहले पहले। तो 10th अक्टूबर 2016 ये हो गया आपका 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। 10th अक्टूबर 2016 या उसके बाद अगर आप एक नया घर परचेज कर लेते हो तो जो आप पुराने घर को जब बेचोगे तो जितने का भी एक्वायर किया होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर दिया जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ, सरकार कहती है कि अगर आप घर को बेच देते हो तो फिर आप कहां रहोगे जब तक आप नया घर नहीं खरीदोगे। तो अगर आपके पास अपना फंड पहले से पड़ा हुआ है तो आप मकान को बेचने से पहले ही खरीद लो। जो आदमी के पास अपना फंड नहीं है वो बेचारा तो क्या करेगा, पहले बेचेगा उसके बाद खरीदेगा, लेकिन बेचने के बाद और खरीदने के ड्यूरेशन में जो गैप होगा उसमें बेचारा रहेगा कहां पे, रेंट के मकान में रहना पड़ेगा। If you are enough rich, you can afford. आप पुराने मकान को बेचने से पहले ही नया मकान खरीद लो। तो हम ये मान लेंगे कि नया मकान इसलिए खरीदा गया क्योंकि पुराना बेच रहे थे। लेकिन इस बात को establish करने के लिए कि नया मकान इसलिए खरीदा क्योंकि पुराना बेच रहे थे, टाइम गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिस डेट पे पुराना बेचा गया वो डेट हम लेकर चल रहे हैं 10th अक्टूबर 2016।
विद इन वन ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, उसकी डेट ऑफ ट्रांसफर है 10 अक्टूबर 2017, उस डेट से पहले पहले एक साल के अंदर अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया था, तो इनकम टैक्स ये बात मानने को तैयार है कि ये इसलिए खरीदा क्योंकि बेचने वाले थे, अगर विद इन वन ईयर आपने परचेज किया, और जितने का भी खरीदा होगा वो अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई करेगा। 10 लाख तक का खरीदा होगा तो पूरा माइनस कर देंगे, और 10 लाख से ज्यादा का खरीदा होगा तो केवल 10 लाख रुपीज तक का एग्जम्पशन मिलेगा। इस एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल्स में मैंने 10 लाख रुपीज का, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जनरली एक आदमी जो अपने पास फंड कैरी नहीं कर रहा है वो बेचारा क्या करेगा, पहले बेचेगा उसके बाद खरीदेगा, जनरली तो यही होता है। तो अगर आपको बेचने के बाद खरीदना है तो आपको दो टाइम लिमिट्स दे रखी हैं, एक तो खरीदने के लिए टाइम लिमिट गिवन है और एक कंस्ट्रक्शन के लिए है, और परचेज के लिए है विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो वो डेट कौन सी हो जाएगी बेटा, वो डेट हो गई 10 अक्टूबर 2019, और ये डेट जो आपकी हो गई, ये हो गई परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, और ये 2 ईयर्स है आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन कुछ लोगों को मकान परचेज किया हुआ अच्छा नहीं लगता है, वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से बनवाना चाहते हैं, वो अपने मैप के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए उन्हें दिया गया 3 साल, और 3 ईयर्स जो दिए गए वो कब पूरे हो जाएंगे बेटा, उसकी लास्ट डेट हो जाएगी 10 अक्टूबर 2020। जब हम 10 अक्टूबर 2017 के बाद से 3 साल काउंट करेंगे, इट विल बी एंड ऑन 10 अक्टूबर 2020, और ये टाइम लिमिट कंस्ट्रक्शन के लिए है 3 ईयर्स, इस डेट तक। तो ऊपर वाली डेट तक या तो मकान आप खरीद लो, या जो कंस्ट्रक्शन वाली डेट है उस डेट तक आप कंस्ट्रक्शन करवा लो। तो जितना भी आपने नए हाउस में इन्वेस्ट किया होगा, बट नॉट मोर देन 10 लाख, दैट अमाउंट विल बी अलाउड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ठीक है सर। तो सर अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये है प्रीवियस ईयर 17-18, और प्रीवियस ईयर 17-18 की इनकम पे हमें टैक्स पे करना है असेसमेंट ईयर 18-19। हाँ जी सर, ये तो नॉर्मल सी बात है। और असेसमेंट ईयर 18-19 में भी जो टैक्स पे करने की लास्ट डेट है वो सपोज ये लास्ट डेट है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वो यहां फॉल करती है, या तो 31 जुलाई, या 30 सितंबर, या 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये हमने किया हुआ है। अब जो हमने 10 लाख रुपए इनकम कंप्यूट करी वो तो कंप्यूट करी प्रीवियस ईयर 17-18 में, और इस 10 लाख रुपए पे जो हमें टैक्स पे करना है वो पे करना है हमें 18-19 में, और 18-19 में भी जो टैक्स पे करने की लास्ट डेट है दैट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, वो डिपेंड्स करता है असेसी पे और अकाउंट्स ऑडिट हुए या नहीं हुए, उसके अकॉर्डिंग या तो 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, या 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, या 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हम इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर 2018। इस एग्जाम्पल में कि सपोज उस असेसी के अकाउंट ऑडिट होते हैं तो उसके लिए हो गया 30 सितंबर 2018। अब देखो जो परचेज करने की डेट है वो भी इसके बाद फॉल कर रही है 10 अक्टूबर 2019, और जो कंस्ट्रक्शन की डेट है वो भी इसके बाद फॉल कर रही है 10 अक्टूबर 2020। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सरकार कहती है कि अगर 10 अक्टूबर 2019 तक आप एक्वायर करते हो, या फिर 10 अक्टूबर 2020 तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो जितना भी आपने नए घर में इन्वेस्ट किया होगा वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपीज में से माइनस कर देंगे।
लेकिन साथ में सरकार यह भी कह रही है कि आपको जो 10 लाख रुपए पे टैक्स पे करना है उसको पे करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2018। तो अगर 30 सितंबर 2018 तक आप टैक्स पे कर दोगे तो ऑलरेडी अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो फिर उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन करवाते हो या परचेज करवाते हो तो किसमें से माइनस करोगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन ₹10 लाख। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, दो बातें ऐसी हो गई जो आपस में मैच नहीं कर रही हैं। टैक्स पे करना पड़ेगा 30 सितंबर तक और 10 अक्टूबर 2019 या 10 अक्टूबर 2020 तक जो भी खरीदोगे या कंस्ट्रक्शन करवाओगे वो 10 लाख रुपए में से माइनस कर दिया जाएगा। जब पहले ही टैक्स ले लिया 10 लाख रुपए में से तो माइनस किस में से करोगे आप? तो सरकार ने कहा, दो ऑप्शन दिए सरकार ने कहा, पहला ऑप्शन तो यह है कि आप इस डेट तक खरीद लो 30 सितंबर 2018 तक, इस डेट तक, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लो तो फिर कुछ डिस्प्यूट ही नहीं रहेगा। अब तो आपने खरीद लिया, कंफर्म हो गया, उसको हम माइनस कर देंगे, या जो भी आपने कंस्ट्रक्शन करवाया उस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। यह पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी देनी थी तो फिर इन दो डेट्स को दिया ही क्यों गया? फिर तो एक्ट में लिख देते जो खरीदना पड़ेगा या कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा वो 139(1) की डेट तक करवाना पड़ेगा। ये अगर कोई खरीद ले तो वेल एंड गुड, तो माइनस कर लो, लेकिन जनरली तो आदमी यही सोच के चलेगा मुझे खरीदना है, मुझे 2 साल दिए गए, या मुझे कंस्ट्रक्शन करवाना है, आई नीड टाइम, कम से कम 3 साल कंस्ट्रक्शन के लिए मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आपको एक अल्टरनेट दिया, सरकार ने कहा अगर आप जो डेट्स खरीदने या कंस्ट्रक्शन किए उसको यूज करना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि जो 139(1) की डेट है उससे पहले पहले एक बैंक में अकाउंट ओपन करो, बैंक अकाउंट, और वो अकाउंट कैपिटल गेन स्कीम के अंदर खोला जाता है, कैपिटल गेन स्कीम, और जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपने प्लानिंग तो करी होगी कि आपको नया घर कितने का खरीदना है या कितने का आप करवाओ मत परचेज और कंस्ट्रक्शन, बट ये तो आपको पता होगा ना कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है नए हाउस में। सरकार ने कहा देखो ये तो भूल जाओ कि हम आपसे ये कहेंगे कि टैक्स बाद में पे कर देना, आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट तो 139(1) के अकॉर्डिंग ही रहेगी, लेकिन आप उन डेट्स को भी यूज करना चाहते हो जो 54 के लिए एलिजिबल है, तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, आप 139(1) की डेट तक एक अकाउंट ओपन करो अंडर द कैपिटल गेन स्कीम और उस अमाउंट को डिपॉजिट कर दो जो कि आप नए घर को खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन, हम ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप खरीदोगे या कंस्ट्रक्शन करोगे, ये भी डिसाइड कर लेना, लेकिन इस डेट तक आप एक अमाउंट डिपॉजिट कर दो जो भी आप नए घर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और जितना भी आप इस डेट या उससे पहले पहले इन्वेस्ट करोगे हम ये मान लेंगे कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने का सीरियसली आपका प्लान है और हम उसके बेस पे आपको एग्जम्पशन दे देंगे। तो असेसी ने क्या किया, उसने यहां पे डिपॉजिट करी ₹9 लाख और सपोज करते हैं डिपॉजिट करे 15 सितंबर 2018 को, 9 लाख रुपीज डिपॉजिट करे और किस डेट को करे 15 सितंबर 2018 को। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, 30 सितंबर 2018 से पहले पहले उसने 9 लाख रुपए कैपिटल गेन स्कीम में बैंक अकाउंट में डाल दिए। इसका मतलब अब सरकार को मानना पड़ेगा कि ही इज रियली इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹9 लाख टू एक्वायर न्यू हाउस और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। सरकार ने कहा वेल एंड गुड, और सरकार ने क्या किया, यहां से आपको 9 लाख रुपीज का एग्जम्पशन दे दिया और सरकार ने कहा आपका जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना आ गया, 1 लाख रुपीज, हमने 9 लाख रुपीज का आपको एग्जम्पशन दे दिया और आप टैक्स कितने पे कर दो, 1 लाख रुपीज पे टैक्स पे कर दो। तो जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो ही डिपॉजिटेड और एक अमाउंट इन बैंक अकाउंट अंडर कैपिटल गेन स्कीम, तो ये बस देख लेना किस डेट को डिपॉजिट किया गया था,
उस असेसी के लिए उस असेसमेंट ईयर में 139(1) के अकॉर्डिंग जो डेट होगी उस डेट या उससे पहले पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। बस तो जितना भी डिपॉजिट किया गया होगा वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 54 एग्जम्पशन में माइनस कर देना, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा का माइनस नहीं किया जाएगा। अगर ज्यादा का डिपॉजिट कर भी देता है वो तो इग्नोर, बिकॉज एग्जम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। सर अब क्या बचा इस एग्जम्पशन में? अब एक बहुत मजेदार बात बची हुई है इस एग्जम्पशन के अंदर। अभी आपने एक तरीके से बस केवल अपना प्लान सरकार को बताया कि हम 9 लाख रुपए का इन्वेस्ट करेंगे और उसके बेस पे सरकार ने क्या किया, आपको एग्जम्पशन दे दिया। हाँ जी सर, एग्जैक्टली ये हुआ। अब सपोज करते हैं 10th अक्टूबर 2019 को इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आपसे कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, आपने एग्जम्पशन का बेनिफिट 2 साल पहले लिया था 9 लाख रुपए का, इस वादे के साथ कि इस 9 लाख रुपए से आप घर खरीदोगे या कंस्ट्रक्शन करवाओगे एक घर, तो आप ये बताओ कि आपने मकान खरीद लिया तो हमें दिखा दो डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने खरीदा होगा तो शान से दिखाओगे, सर आपने क्या हमें बेईमान समझ रखा था, सर देखो ये 9 लाख रुपए। लेकिन आपने नहीं भी खरीदा होगा तो भी आप क्या कहोगे, सर मुझे खरीदना ही नहीं था, मुझे तो कंस्ट्रक्शन करवाना था, आप जल्दी आ गए, आपको तो 3 साल तक वेट करना चाहिए क्योंकि मुझे परचेज करने का कोई मूड नहीं है, मुझे तो कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो आपसे मिलेंगे 10th अक्टूबर 2019 को आपके हाथ में दोनों ऑप्शन है, खरीद लिया होगा तो भी आप जीत गए, नहीं खरीदा होगा तब भी आपके पास एक्सक्यूज है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि इस डेट को कुछ होने वाला है ही नहीं, अगर नहीं भी खरीदा होगा तो उसके पास एक्सक्यूज है और वो लॉ के अकॉर्डिंग एक्सक्यूज है कि हमें तो कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो 10th अक्टूबर 2019 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोता रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 10th अक्टूबर 2020 निकलती है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, भाई साहब अब सारे एक्सक्यूज खत्म हो गए, अब हमें 2 में से 1 बात प्रूव करो, अगर खरीदा था तो यह प्रूव करो 10th अक्टूबर 2019 तक एक्वायर कर लिया था और 9 लाख रुपए का कम से कम, और अगर कंस्ट्रक्शन करवाया तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 10th अक्टूबर 2020 तक, और कंस्ट्रक्शन में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो 9 लाख रुपीज था। एक बात तो प्रूव करनी पड़ेगी, और परचेज की जो टाइम होगा वो हम 10th अक्टूबर 2020 नहीं मानेंगे, इस डेट पे प्रूफ कर रहे हो कि खरीदा था, लेकिन डेट खरीदने वाली ही हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स पे 10th अक्टूबर 2019। तो ये जो ईयर है 10th अक्टूबर 2020, ये प्रीवियस ईयर बेटा हो जाएगा 20 एंड 21, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21 एंड 22। इस ईयर में आप असेसिंग ऑफिसर से कहते हो, सर देखो मैंने न्यू हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक है, वो पूछेगा अच्छा डेट ऑफ कंप्लीशन, आप बता दोगे, सपोज आपने दिखा दिया कि 9th अक्टूबर 2020 तक वो बन के तैयार हो गया, वेल एंड गुड। अब वो कहेगा कि अब नए घर में कॉस्ट कितनी पड़ी थी उसकी, कितना इन्वेस्टमेंट किया। अब आप कहते हो कि सर हमने 7,50,000 रुपीज से नया घर बनवाया, जो इन्वेस्टमेंट किया, जो कॉस्ट फॉल करती है नए घर की वो है 7,50,000। 2 जवाब तो आपने ठीक दिए, हमने कंस्ट्रक्शन करवाया वो ऑप्शन हमारे पास था, सेकंड हमने 10th अक्टूबर 2020 से पहले पहले उसका कंस्ट्रक्शन करवा लिया, वेल एंड गुड। लेकिन एक बात में आप चूक गए, आपने कहा कि हमने केवल 7,50,000 रुपए आपके इन्वेस्ट करे और बैंक में अभी भी 1,50,000 रुपए रह रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 2021 में अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कितना हो गया,
ये हो गया 1,50,000, 9 लाख रुपीज आपने बैंक में डाले थे, लेकिन यू एक्वायर्ड न्यू हाउस या यू कंस्ट्रक्टेड न्यू हाउस ओनली फॉर रुपीज 7,50,000 अनयूटिलाइज अमाउंट। तो 3 साल के बाद जो भी बैंक में अनयूटिलाइज अमाउंट पड़ा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा और आपको 1,50,000 रुपए पे असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 7.5 लाख रुपए ही आपको इन्वेस्ट करने थे तो आप बैंक में डिपॉजिट करते 7,50,000, तो फिर यहां आपके 9 लाख की जगह माइनस होता 7,50,000, आपका कैपिटल गेन यहां निकल कर आता 2,50,000। लेकिन आपने 2,50,000 की जगह केवल 1 लाख पे टैक्स पे किया, क्योंकि आपने क्या बोला, हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट करे 7,50,000। तो 1.5 लाख रुपए एक तरीके से आप अपना वादा, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। तो जो टाइम दिया गया था उसकी एक्सपायरी के बाद जो भी पैसा बैंक में अनयूटिलाइज पड़ा होगा दैट वुड बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो असेसमेंट ईयर 21-22 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 1,50,000। अगर वो ये कहता मैंने नया घर सर एक्वायर किया था, लेकिन फिर डेट ऑफ एक्विजिशन जो देखी जाती वो 10th अक्टूबर 2020 नहीं देखी जाती, फिर वो 10th अक्टूबर 2019 तक देखी, देखते 3 साल के बाद ही। लेकिन डेट एक्विजिशन की कौन सी देखी जाती कि 10th अक्टूबर 2019 तक खरीदा गया था या नहीं, और उसके बाद जो अनयूटिलाइज बच जाता वो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर तो 3 साल के बाद ही आएगा, 3 साल तो दिए ही जाएंगे, और इस ईयर में जो अनयूटिलाइज अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चे कहते हैं सर उसने अगर 9 लाख से ज्यादा का इन्वेस्ट कर दे मकान के अंदर, 9 लाख रुपए पूरे डाल दिए लेकिन खरीद लिया या कंस्ट्रक्शन 9 लाख से ज्यादा का करवा लिया, तो सही है, सरकार तो 9 लाख रुपए तक देखना चाहती है। आपने तो सरकार से केवल 9 लाख रुपए तक का बेनिफिट लिया, 9 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके ऊपर आपकी हैसियत है, आपकी मर्जी है, आपकी विल है, आप कितना भी खर्च करो, आप 20 लाख का मकान बनवाओ, आप 50 लाख का बनवाओ, हैसियत है 5 करोड़ रुपए का मकान खरीदो। लेकिन सरकार कहती है आपने हमसे 9 लाख का वादा किया था, कम से कम 9 लाख तो खर्च करो। हां, अगर किसी ने 9 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए तो उसकी प्लानिंग खराब हो गई, उसको क्या करना चाहिए था, 10 लाख डिपॉजिट करना चाहिए था। अब अगर केवल 9 लाख तक का खरीदता तो 1 लाख पे टैक्स पे कर देता, लेकिन अगर ज्यादा का खरीदता तो अच्छी बात, 10 लाख का एग्जेम्पशन पूरा का पूरा क्लेम हो गया। तो जनरली आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइज कर सकते हो कि अगर आप एग्जैक्टली प्लान नहीं कर पा रहे हो तो कभी भी कम अमाउंट डिपॉजिट मत करो, ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर दो, पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म के बराबर डिपॉजिट कर दो। अगर बच गया तो 3 साल के टैक्स तो पे करना ही है, अगर बच गया तो 3 साल के बाद टैक्स पे कर देना, और अगर खर्च हो गया तो पछताना नहीं पड़ेगा कि काश ज्यादा डिपॉजिट कर देते। तो इनिशियली तो हर आदमी को क्या करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के बराबर पूरा का पूरा डिपॉजिट कर दो और 3 साल के बाद डिसाइड करो कि अब बचा या नहीं बचा। क्या आपको यहां तक समझ में आया अच्छे तरीके से? हां जी सर, हमें अच्छे तरीके से समझ में आया। अब अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो फिर हम आखिरी बात करते हैं एग्जेम्पशन 54 की। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखो मैं आपको क्या टीच कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। एक असेसी ने क्या किया, 10 लाख रुपए उसने डिपॉजिट कर दिए टिल 30th September 2018 तक, और उसने 10 लाख रुपए का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। फिर 3 ईयर्स के अंदर उसने 10 लाख रुपए का एक मकान कंस्ट्रक्शन भी करवा लिया, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स उसने इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को दिखा दिया, सर देखो आई हैव इन्वेस्टेड रुपीज 10 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस। वो भी सेटिस्फाइड होकर घर चले गए, हाँ जी सर आपने अपना वादा पूरा कर लिया, आपका केस हम क्लोज कर रहे हैं। और जैसे ही इनकम टैक्स के ऑफिसर्स गए उसने उठा के नया वाला मकान दोबारा से सेल कर दिया।
जैसे ही 3 साल पूरे हुए और 3 साल 1 दिन उसने नया घर जो बनाया था वो उठा के सेल कर दिया उसने। मतलब 3 साल से 1 दिन पहले तो कंप्लीट हुआ, 3 साल के बाद दिखाया देखो मैंने घर बनवा लिया और इमीडिएटली उसके बाद सेल कर दिया। तो इनकम टैक्स एक्ट की जो इंटेंशन है कि आपके पास घर के बदले घर हो जाए, वो इंटेंशन तो आपने किल कर दी। लीगली तो आप सही रहे, 3 साल के अंदर घर आपने बना के दिखा दिया, लेकिन उस घर को आपने रिटेन तो नहीं किया। जबकि इंटेंशन क्या है कि कम से कम घर को आप अपने पास रखो, घर के बदले आपके पास कम से कम घर आ जाए, लेकिन घर आया केवल टैक्स बचाने के लिए। उसके इमीडिएटली बाद आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर नए घर को आपने 3 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो जो एग्जेम्पशन आपको अलाउ की गई थी वो एग्जेम्पशन आपसे वापस ले ली जाएगी। दोबारा सुनो, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जो नया घर आपने एक्वायर किया या कंस्ट्रक्शन किया, उसको जिस डेट पे आपने एक्वायर या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस डेट से 3 साल तक रिटेन करना ही पड़ेगा, अपने पास रखना ही पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर आपने बेच दिया, जो एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड की गई थी वो एग्जेम्पशन आपसे वापस ले ली जाए। आपने घर पे कहा कि हमें टैक्स की बुक चाहिए और वो बुक 500 रुपीज की आएगी, आपको 500 रुपीज दे दिए जाते हैं टैक्स की बुक खरीदने के लिए। फिर एक दिन आपके फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि जो आपको टैक्स की बुक आप खरीद के लाए थे हमें दिखाओ जरा, हमें कुछ काम है। आपके पेरेंट्स कहते हैं, आप उन्हें बुक दिखा देते हो और उस बुक पे जो एमआरपी थी वो एमआरपी केवल 450 रुपीज की थी। आपने 500 रुपीज लिए बट यू परचेज ए बुक जिसकी एमआरपी केवल 450 रुपीज थी, तो वो क्या करेंगे, 50 रुपये तो वापस लेंगे। बेटा 50 रुपये बचे होंगे वापस करो, तो ये 50 रुपये तो ये टैक्सेबल हो गए जिसको मैं लॉन्ग टर्म 150,000 कह रहा हूं, क्योंकि 10 लाख रुपये आपने डिपॉजिट करे और वो 9 लाख रुपये नया घर आपने 7.5 लाख रुपये का बनवाया। अब आगे सुनो, उसके बाद उन्होंने बुक वापस कर दी 50 रुपये वापस लेके। अब कुछ दिनों के बाद वो फिर आपसे कहते हैं कि बेटा जरा हमें बुक का दोबारा से काम है, जरा बुक लेके आना, इनकम टैक्स की ऑफिस में काम था जरा, हमें तो कुछ प्रोविजन देखना है टैक्स का। अब एक्चुअली में जो आपकी टैक्स की बुक थी वो आपने कभी खरीदी ही नहीं थी, सपोज आप तो अपने फ्रेंड से बोरो करके ले आए थे कुछ दिनों के लिए। अब आप कहते हो, चुपचाप खड़े हो, आपके पास बुक है ही नहीं, कहते हैं बुक लेके आओ बेटा जाके। अब आप चुपचाप खड़े हुए क्योंकि वो तो फ्रेंड से बुक लेके आए, वो तो वापस कर दी आपने, खरीदी नहीं कभी। तो क्या होगा, क्या करेंगे पेरेंट्स, अगर गुस्सा आ गया तो एक तो कान के नीचे, और फिर वो आपसे कहेंगे बेटा 450 रुपये और वापस करो। जो चीज आपने खरीदी ही नहीं, जिसको आपने अपने पैसे से यूटिलाइज ही नहीं किया, उसके नाम पे आपने 500 रुपये लिए, पहले आपने ये दिखाया कि 450 की थी तो 50 रुपये ये वापस, उसके बाद वो बुक आपके पास है ही नहीं अब, तो आपको 450 भी घर वालों को वापस करने चाहिए। तो इसी एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल यहां पे समझ लो, पहले आपने कहा कि 9 लाख रुपये का मकान बनवाएंगे, आपने मकान बनवाया केवल 7.5 लाख रुपये का, तो सरकार ने 1.5 लाख रुपये पर टैक्स मांग लिया। अब कुछ दिनों के बाद सरकार कहती है हां जी वो मकान दिखा दो, अब वो मकान फिर आपके पास नहीं है, तो सरकार ने जो एग्जेम्पशन आपको दिया होगा वो एग्जेम्पशन सरकार फिर से वापस करेगी, उस अमाउंट को फिर से टैक्सेबल करेगी। हां जी सर बात तो ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा ही सोल्ड न्यू हाउस ऑन 5th September, किस डेट पे उसने कंस्ट्रक्शन करवाया था बेटा, 9th October 5th 20 को 5th September 2022,
ध्यान से देखना बेटा, उसने इस घर को दो तीन साल से पहले बेच दिया, मतलब 5 सितंबर 2022 को बेच दिया। देख लो आप, तीन साल से पहले बेच दिया गया। होल्डिंग पीरियड कितना है? होल्डिंग पीरियड 9th अक्टूबर 2020 से लेके 4th सितंबर 2022। इट इज लेस देन 24 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हाँ जी सर। अब इसको बेचा तो वो क्या कहते हैं? जब इसको बेचा तो एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ही होगा। हाँ जी, जरूर होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? यहां पे लिख लेते हैं 4 रुपीज, और कितने का बेचा उसने? 8 लाख, 8 लाख रुपए का बेचा, जो 7.5 लाख रुपए का बनवाया था। तो फिर मैंने यहां पे लिखा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ध्यान से देखना बेटा बहुत। सर 8 लाख, अभी हम नए घर का कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। फिर हम यहां पे माइनस करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म है इसलिए इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। फिर वो हम यहां माइनस करते कितना? 7,50,000, क्योंकि 7.5 लाख का मकान 8 लाख का बेच दिया। तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता 50,000। अब क्योंकि आपने तीन साल से पहले बेच दिया, तो जो एग्जेम्पशन आपको दी गई थी वो आपसे वापस ले ली जाएगी। तो एग्जेम्पशन आपको कितने की दे रखी थी? 7.5 लाख रुपए की। नहीं सर, एग्जेम्पशन तो 9 लाख की दी गई थी, लेकिन 9 लाख में 1,50,000 तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुके हैं। तो अब जो इफेक्टिव एग्जेम्पशन आपके पास पड़ी हुई है वो तो केवल 7,50,000 की है। उस एग्जेम्पशन को वो वापिस लेंगे। एग्जेम्पशन टेकन बैक। वो कहते हैं इस 7.5 लाख रुपए पे आप और टैक्स पे करो, मतलब टोटल इनकम आपकी 8 लाख रुपए हो गई। क्या समझ में आया? दोबारा सुनो, आपने नए मकान को अगर तीन साल से पहले ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो जो एग्जेम्पशन आपको दे रखी थी वो दोबारा से टैक्सेबल हो जाएगी। तो दो कैपिटल गेन होंगे, एक तो नई एसेट को बेचने से ही होगा, दूसरा नई एसेट को बेचने के अलावा जो एग्जम्पशन दी गई थी वो वापस ली जाएगी। तो मैंने यहां पे पहले नई एसेट का कैपिटल गेन 50,000 रुपए निकाल दिया, फिर उसके बाद मैं एग्जम्पशन को वापस लेता हूं 7.5। 9 लाख रुपए क्यों नहीं वापस ले रहा हूं? बिकॉज आउट ऑफ 9 लाख 1,50,000 हैज ऑलरेडी बीन टैक्सेबल ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 21-22। हां जी सर, बिल्कुल ठीक। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, इस तरीके से 8 लाख रुपए नहीं निकालेंगे। वो कहते हैं अगर तुमने मकान को तीन साल से पहले ट्रांसफर कर दिया तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी नए घर की, इट विल बी रिड्यूस्ड बाई 7,50,000, और इट विल बी रिड्यूस्ड बाई अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। समझ में आया? अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एग्जेम्पशन के अमाउंट से रिड्यूस कर दोगे तो कैपिटल गेन अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन से इंक्रीज कर जाएगा। एक तरीका तो यह है कि पहले हम 50,000 रुपए शॉर्ट टर्म निकाल के बाद में ऐड कर दें, लेकिन वो ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तीन साल से पहले पहले बेच दिया तो जो नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसमें से अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन माइनस कर देंगे। तो नया घर कितने का था? 7.5 लाख रुपए का। एग्जम्पशन कितने थी? 7.5 लाख रुपए की। तो 7.5 लाख में से 7.5 लाख रुपए माइनस कर दिया गया। तो यहां फिर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई नील, और अगर नील आ गई तो कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए। यहां पे भी 8 लाख रुपए आ रहा था, लेकिन इस तरीके से 8 लाख रुपए नहीं निकालना है।
हम एग्जम्पशन टेकन बैक की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। तो अगर आप लॉजिकली सोचो, किसी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप जिस अमाउंट से भी डिक्रीज करोगे, उसी अमाउंट से कैपिटल गेन इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो, 8 लाख रुपए के अंदर दो कैपिटल गेन हो गए, एक तो नए घर को बेचने से जो हुआ वो 50,000, और एक 7.5 लाख रुपए एग्जम्पशन वाला 8 लाख रुपए हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जो 7.5 लाख रुपए दोबारा से टैक्सेबल हुए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तरीके से टैक्सेबल नहीं हुए, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तरीके से। हालांकि ऊपर पूरा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहा था, ओरिजिनली भी लॉन्ग टर्म था, 3 साल के बाद जो वापस लिया गया वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, लेकिन अब जब आपने नए मकान को फिर से बेचा, जो टैक्स की लैंग्वेज है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, उस वजह से अब जो कैपिटल गेन आएगा वो तो न्यू एसेट के होल्डिंग पीरियड पे ही डिपेंड करेगा, और क्योंकि वो इस क्वेश्चन में 24 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब जो 7.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन वापिस लिया गया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तरीके से वापिस नहीं हुआ, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तरीके से वापिस हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, वो मजेदार बात है। पहले हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स देखते थे, लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले अमेंडमेंट किया गया और बोला गया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मतलब इमोवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का होल्डिंग पीरियड है वो 36 मंथ्स नहीं देखा जाएगा, वो 24 मंथ्स देखा जाएगा। उसकी वजह से क्या डिफरेंस पड़ेगा वो मैं तुम्हें टीच करना चाहूंगा। सेम एग्जाम्पल मैं दोबारा से लिखता हूं, ही सोल्ड। मेरी बात को जरूर समझना, मैं ऐसी बात जो बहुत सारी बुक्स में भी डिस्कस नहीं की गई है उसको डिस्कस कर रहा हूं। न्यू हाउस सोल्ड, न्यू हाउस ऑन 5th September 2023। अब मैंने जो आपकी डेट यहां पे लिखी थी 5th September 2022 उसको 23 कर दिया और यहां पे लिखा सेम अमाउंट फॉर ₹8 लाख। ध्यान से देखना, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ मेहनत करो। अब हमने इस डेट से 3 साल के अंदर तो अभी भी बेचा है, 9th अक्टूबर 2020 से 3 साल देखेंगे तो 8th अक्टूबर 2023 तक जाएगा, और हमने तो सितंबर में बेच दिया, 3 साल से पहले बेच दिया। लेकिन इस केस में जो होल्डिंग पीरियड था अब वो हो गया 9th अक्टूबर 2020 से लेके 4th September 2023, और ये आपके लिए मोर देन 24 मंथ्स, तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई। जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया था, 24 मंथ्स नहीं लिखा गया था, तब तक ये भी शॉर्ट टर्म ही होता, क्योंकि पहले हम इमोवेबल के लिए भी 36 मंथ्स देखते थे, लेकिन जब से इमोवेबल के लिए हमने 24 मंथ्स देखा अब इसमें दो पार्ट हो गए। एक्ट में लिखा है 3 साल से पहले बेच दोगे, हमने उसके आगे 2 कर दिए, 2 साल के अंदर या 3rd साल में, हमने 3rd साल में बेचा। तो अब क्या होगा, अब यहां पर लिखा गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 8 लाख रुपीस। अब हमने यहां पे माइनस किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर बिल्कुल ठीक, अब तो जो आपके नए घर को बेचने से भी होगा वो कैपिटल गेन ही होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे। लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे तो लिखोगे CII ऑफ 2023, हाँ जी सर, जो भी निकल कर आया होगा, अपॉन CII ऑफ जिस ईयर में एक्वायर किया गया था 9th अक्टूबर 2020, तो ये हो जाएगा 23, 24 और 2020 एंड 21, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है, 23-24 का CII और जिस ईयर में एक्वायर किया था 20-21 का CII इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
अब सरकार कहती है आपने 7.5 लाख रुपए का एक्वायर किया था और कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन और 7.5 लाख रुपए यहां से माइनस कर दिया गया। समझ में आया मैंने क्या टीच किया? कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। अब नए घर की कॉस्ट 7.5 लाख रुपए, एग्जेम्पशन 7.5 लाख रुपए, 7.5 में से 7.5 लाख रुपए माइनस हो गया, ये फिर से निल आ गया क्योंकि जीरो और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो। लेकिन अब यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा जाएगा 8 लाख। अगर एग्जेम्पशन वापस वाला हम रास्ता लेते तो एसएससी को बेनिफिट हो जाता। सर उस केस में क्या बेनिफिट हो जाता? 7.5 लाख रुपए था उसका इंडेक्सेशन होता ना, समझो आप। अब इस केस में क्या हो रहा है, 7.5 लाख की चीज 8 लाख की बेची तो 50,000, तो 50,000 पूरा कैपिटल गेन हो गया। अगर इंडेक्सेशन किया जाता तो 7.5 लाख रुपए थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता और नई एसेट को बेचने से जो कैपिटल गेन होता वो 50,000 नहीं होता, 50,000 से कम होता। लेकिन हम कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं तो हमने उसकी कॉस्ट जीरो कर दी। अब 8 लाख रुपए भी हुआ मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल ही नहीं पाया क्योंकि कॉस्ट तो फिर जीरो हो गई। लेकिन अब यहां पे हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये अमेंडमेंट आने के बाद की इमूवेबल प्रॉपर्टी में 24 मंथ्स के बेस पर डिसाइड करेंगे। एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया 54 के ऊपर जो बहुत सारे बुक्स ने डिस्कस नहीं किया, ऑथर्स ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन डिस्कस करना जरूरी है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है 3 साल से पहले नहीं बेचना है, लेकिन अब 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, विद इन 24 मंथ्स बेच दिया या विद इन 36 मंथ्स बेच दिया। एक केस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, दूसरे केस में भी आंसर सेम आएगा लेकिन बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर? समझ में आता है अच्छे तरीके से? तो जो कुछ बैंक वगैरह में डालते हैं इस सब को कहा जाता है, जैसे कि मैंने हेडिंग्स दिए असेसी, ट्रांसफर, एसेट, परचेज, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, फिर टाइम लिमिट। तो जो बैंक में डाला गया इसको मैं बोलता हूं स्कीम ऑफ डिपॉजिट। जो भी मैंने आपको यहां समझाया कि डिपॉजिट करना पड़ेगा और 2 साल या 3 साल के अंदर, और सर अगर 3 साल से पहले बेच दिया तो जो एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी, इसको मैं बोलता हूं कॉन्सिक्वेंसेस। अगर नए घर को 3 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया गया, जो एग्जेम्पशन दोबारा टैक्सेबल हो जाएगी उसको मैं बोलता हूं कॉन्सिक्वेंसेस। तो आगे की जब भी हम कोई एग्जेम्पशन करेंगे तो इन जो 8 हेडिंग्स हैं ध्यान रखना, असेसी, ट्रांसफर, एसेट, परचेज, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन, स्कीम ऑफ डिपॉजिट एंड लास्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसेस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं बहुत लॉजिकली इस एग्जेम्पशन को आपको समझाऊं। होपफुली ये एग्जेम्पशन पूरी आपको समझ में आई होगी। इसको आप रिवाइज करो बार बार। बहुत जल्दी कोई और नई एग्जेम्पशन में आपको टीच करूंगा। थैंक यू वेरी मच।